नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 90.4 CMS कम्युनिटी रेडियो पर। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम शुरू हो चुका है आपका अपना सजीव फोनल सेहत की बात डॉक्टर के साथ। और आज का ये हमारा जो सजीव फोनल कार्यक्रम है ना, वो बेहद खास है। पूछिए क्यों, सोचिए। इसीलिए खास है क्योंकि काफी समय से आप हमें बताते आ रहे हैं कि आपके चहेते डॉक्टर को हम इस कार्यक्रम में बुलाएं। इशारा समझ गए ना आप, कौन से हैं आपके चहेते डॉक्टर, जिसको कि हमारे सभी श्रोतागण बेहद पसंद करते हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। कभी कभी हमें कहते हैं कि हमें उनसे मिलना भी है। तो देखिए, आपके पसंदीदा डॉक्टर और आप ही की मांग पर हम लेकर आ चुके हैं फिर से डॉक्टर उमंग खन्ना के साथ आज का हमारा ये सजीव फोन इन कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ। लेकिन डॉक्टर उमंग खन्ना जी से मिलने से पहले, उनसे बात करने से पहले, आप नोट कर लीजिए हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए नंबर है 0522। पहले लखनऊ का कोड मिलाइएगा, क्योंकि मोबाइल से पहले नंबर ये मिलाते समय लखनऊ का कोड 0522 मिलाइएगा। उसके बाद डायल कीजिएगा 411-33-51 411-33-51। आप सभी को 12 वफात की बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ दो दिन बाद है वर्ल्ड निमोनिया डे, उसके बारे में भी हम बहुत सारी बातें करेंगे। बहुत सारे लोग डेंगू टाइफाइड से भी जूझ रहे होंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि डॉक्टर उमंग खन्ना जी तो एक समुंदर की भांति है। जो भी हम चाहें, देखिए उनके पास उसका इलाज झटपट तैयार मिलता है। तो डॉक्टर उमंग खन्ना, हमारे जितने भी श्रोतागण हमसे बात करते हैं ना, वो कहते हैं डॉक्टर साहब उमंग खन्ना जी को आप कब बुलाएंगे। तो हम जानते हैं आपकी भी काफ़ी व्यस्तता है और काफ़ी समय के बाद एक बार फिर हम आपके साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है 90.4 CMS कम्युनिटी रेडियो के सजीव फोन इन कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ में। धन्यवाद मैम, धन्यवाद CMS कम्युनिटी रेडियो का 90.4 मेगाहर्ट्ज। यह वो चैनल है जिसको जो हमारे दिल के करीब है, इसलिए आप जब भी बुलाती हैं हम लोग आतुर रहते हैं आने के लिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य की बात का एक बड़ा अनूठा चैनल है जिसमें कि ये TRP ना होके आदरणीय श्री जगदीश गांधी जी के माध्यम से सामान्य जनता तक हर विषय की बढ़िया जानकारी पहुँच रही है। कॉलर अभी से ही जुड़ने जा रहे हैं। हेलो 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 डॉक्टर साहब और मैम को भी नमस्कार। नमस्कार। सभी त्योहार को और गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा दो दिन बाद है जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। नाम बता दीजिए अपना। हमारा नाम श्रीपाल नूरपुर बेहटा से बोल रहे हैं। श्रीपाल जी नूरपुर बेहटा से बोल रहे हैं। श्रीपाल जी क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब को? डॉक्टर साहब को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये दोबारा आ चुके हैं जी प्रोग्राम में जी, और इससे हम लोगों को बहुत शिक्षा मिलती है। बहुत शिक्षा मिलती है। चलिए थैंक यू सो मच। बारे में जो बताते हैं डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया बताते हैं जी, बिल्कुल। और हम लोग तो खेत में धान निकाल रहे हैं खेत से। अच्छा, बाजा बज रहा भाई, सुन रहे हैं खेत में है ये। धन्यवाद श्रीपाल जी, आज जैसा कि मैडम का आदेश हुआ है हमें FM में, हम आपको जाड़े में होने वाले डिजीजेस डेंगू, वर्ल्ड निमोनिया डे आ रहा है निमोनिया के विषय में, और आपको ये तमाम जो विंटर्स में बीमारियां होती हैं इसके विषय में आपको जानकारी देते हैं, जिसमें टाइफाइड भी शामिल है जी। सर्दियों में बहुत सारी जो चीजें होती हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप खेत खलिहान में ऐसे ही गुनगुनाते रहिए, सुनते रहिए। और बहुत अच्छा लगा कि खेत में भी ये बाजा इन्होंने बताया, खेत में भी ये ले करके अपने साथ रेडियो जाए हैं, गए हैं और सुन रहे हैं अपना खेती का काम करते हुए, अच्छा लगता है। तो बाकी श्रोता भी जुड़े 0522-411-33-51 पर। सबसे पहले तो ये सर्दियों में जो रोग होते हैं उसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे, क्या क्या रोग होते हैं जनरली आपके पास, कैसे कैसे जो मरीज आते हैं सर्दियों में। देखिए आप लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, सबसे नज़ला जुकाम खांसी बुखार, बिल्कुल मौसम जैसे ही बदलता है यह गले से एक वायरल फीवर शुरू होता है और वो गले में खराश से शुरू होता है और आपके साथ ये फिर थोड़ा सा उग्र रूप लेता जाता है, जो 4-5 दिन आपको
जो है वो बेड रेस्ट पे मजबूर कर देता है। ऐसा क्या हो जाता है हमसे, मतलब क्या गलती हो जाती है जनरली कि ये रोग आ ही जाते हैं? इम्यूनिटी वीक होती है या क्या चीज हो जाती है? निश्चित रूप से मैम, निश्चित रूप से इम्यूनिटी वीक होती है, और इम्यूनिटी वीक होती है तो जो पैथोजेंस होते हैं, जो फेवरेबल वेदर अपने पाते हैं, एक अनुकूल मौसम पाते हैं, तो वो उसमें आपको इन्फेक्ट कर देते हैं। और जब इन्फेक्ट करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम जो है उसके खिलाफ रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी बनाता है। वो एंटीबॉडी जो है जब उस प्रतिरोधक क्षमता के रूप में लड़ते हैं तो आपके ये जकड़न, खांसी, म्यूकस, ये सारी चीजें सिक्रीट होने लगती हैं। एक और कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो। हेलो मैम, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए। जी तुलसा जी, स्वागत है आपका। और डॉक्टर उमंग खन्ना जी है हमारे साथ, कुछ कहना चाहेंगे उनसे? तो मुझे तो बहुत खुशी है मैम, और मुझे तो पता पहले ही चल गया था जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपने सर है जो अपने स्टडी पे आए, ऑफिस में आए, बहुत खुशी हुई जी। और उनसे सारी बातें सीखने को, जानने को मिलेंगी, और वो बताएंगे तो हम लोग उसी हिसाब से चलेंगे। और मैम सबसे पहले जो मैं ये बात कहती हूँ, जो बहुत दिन से कहना चाहती थी कि आपसे कि बुलाइए बुलाइए, आज वो दिन आ ही गया। तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि जो मेरे सर ने मुझे कान के लिए दवा बताई थी उसको मैंने एक ही बार ली थी मैम, और मेरा कान ठीक हो गया। इसके लिए मैं उन्हें 100 बार धन्यवाद करूंगी, तो कम है। धन्यवाद मैडम, ये CMS कम्युनिटी रेडियो का है, आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन यह जो प्रोग्राम इतना अच्छा 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आता है, धन्यवाद इस प्रोग्राम का है जो इतने लोगों तक एक अच्छी बातें पहुंचा देता है, स्वास्थ्य वर्धक और बगैर ऐड का, जिसे कहते हैं ऐड फ्री प्रोग्राम आप तक पहुंचा देता है। जी सर जी, मैं तो बहुत आपसे मैं क्या बताऊँ, डॉक्टर तो बहुत होते हैं, मगर सच्चाई के साथ जो मैंने अपने बड़े सर से भी एक बार इसी बात पे जिक्र किया था तो कह रहे थे हाँ बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आपको आराम मिला? मैंने कि हाँ सर आराम मिला। और सर मैं वैसे तो मैम ने मुझे मना किया था कि बस दो ही टॉपिक रखेंगे, तो सर अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं अपने लिए कुछ पूछ सकती हूँ? बिल्कुल पूछे मैम, बिल्कुल पूछे, आप बताएं। मेरे गले में 3-4 दिन से मतलब एक दिन गन्ने का रस है, जो मैंने मतलब छोटा गन्ना तो उससे मेरा गला बैठा तो अभी तक ठीक नहीं हुआ। और सर जो डेंगू और चिकनगुनिया मतलब निमोनिया जो भी मतलब है, तो इसके विषय में मुझे बहुत अच्छे से जानकारी चाहिए सर, क्योंकि यहाँ मेरे मोहल्ले में 2-3 जनों को है जी। और तो आजकल बहुत सारे तरफ ये सुनने को मिल रहा है, बहुत डरे हुए भी लोग हैं, और देहात में तो बहुत ज्यादा, मेरी मम्मी की भी तबीयत कुछ ऐसे लेके प्रॉब्लम है। देखिए हम आपको बताते हैं, हम आपकी सारी शंका सारी बात का समाधान कर देते हैं। सबसे पहली आपने बात कही डेंगू वास्तव में बहुत फैला, और जिस परिवार में किसी को डेंगू होता है पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। डेंगू देखिए वायरस के होने से होता है, 4 तरह के डेंगू वायरस होते हैं, चारों में से कोई भी आपको हो सकता है। जब आपको एडीज एजिप्टाई नाम का मच्छर काटता है तो आपके उससे डेंगू हो सकता है। और एक भ्रांति यहाँ पे बता दूं कि एक बार डेंगू हो गया तो दोबारा नहीं होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि 4 वायरस डेंगू के होते हैं, तो एक ने काटा वो तो दोबारा नहीं होगा, लेकिन 3 और जो वायरस होते हैं वो आपको हो सकते हैं। तो यानी डेंगू आपको दोबारा हो सकता है, और जितनी बार डेंगू रिपीट होता है आपके शरीर में उतना आप खतरनाक स्थिति की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि मृत्यु की स्थिति तक व्यक्ति पहुंच सकता है। तो और डेंगू से बचाव की पहले मैं बात कह दूं, सबसे अच्छा रास्ता डेंगू से बचाव का है कि आप मच्छर को अपने को काटने ना दें। और कभी भी आपको बुखार आए जिसमें आपको जोड़ों में दर्द हो रहा हो तो आप डेंगू की जांच, क्योंकि इस वक्त डेंगू बहुत फैला हुआ है, और लखनऊ तो हालांकि सरकार बहुत प्रयास कर रही है सफाई का, लेकिन फिर भी लखनऊ कहीं ना कहीं डेंगू की राजधानी बनी हुई है जी। तो आपको अगर बुखार आ रहा है जिसमें आपको जोड़ों में दर्द होना शुरू हो गया और आँखों के बॉल्स के अंदर पेन होना शुरू हो गया अगर हमारे किसी श्रोतागण को, तो वो डेंगू का कार टेस्ट जरूर करा ले। कार टेस्ट में 3 जांचें आ जाती हैं, मैं आपको पूरी जानकारी, क्योंकि जांचें हमारे सामने होती लेकिन हम समझ नहीं पाते क्या कराएं। NS1, IgG, IgM, तो जो है NS1 आजकल सबको पॉजिटिव आता है। यहाँ पर हम एक और अपने श्रोताओं को बहुत जानकारी वाली बात बता दें, देखिए NS1 अगर आपका डेंगू कभी कोई कराए या आप कराएं, अगर उसमें NS1 पॉजिटिव आए तो आप न घबराएं। NS1 इस समय 95% लोगों का पॉजिटिव आ रहा है। क्या है
ये मैम डेंगू के तीन टेस्ट होते हैं, अच्छा, NS1, IgG, IgM। तो हमारे श्रोतागण जब भी कहीं जाएंगे तो ये तीन टेस्ट डॉक्टर कराएगा। उसमें NS1 अगर पॉजिटिव आए तो परिवार में पैनिक ना करें, NS1 सभी का पॉजिटिव आ रहा है। फिर आता है IgG, IgM। IgG तब होता है जब आपको तुरंत का इन्फेक्शन हुआ, और IgM तब होता है जब पुराना डेंगू का इन्फेक्शन हुआ तो पॉजिटिव आता है। तो आप इसको कार टेस्ट कहते हैं डेंगू का, ये करा लें एक बार, आपको अपनी सारी बात का जवाब मिल जाएगा। और डेंगू के मैनेजमेंट की एक पल के लिए बात कर लें, फिर इसके बचाव की बात कर लें। बिल्कुल, वो सब हम करेंगे, लेकिन इनका जो गले वाले प्रॉब्लम था, आप उनके भी गले पर डेंगू पे एक गले के लिए जहां तक बात है, आपके गले में खराश है तो अभी जो मैडम से बात हो रही थी ये शायद कहीं वायरल की शुरुआत है, तो इसके लिए आप एक दवा नोट कर लें बहुत अच्छी, जो आपके गले की खराश आज की आज सही कर देगी, वो है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम, कॉस्टिकम आप 200 पावर में, 200 पावर में कॉस्टिकम 200 आप दो दो बूंद तीन बार, या सुगर पिल्स में 10-15 रुपए की बनवा लीजिए, चरचर गोली दिन में चार बार ले लीजिए, आप देखेंगे कि एक या दो दिन के अंदर आपके गले की खराश खत्म हो गई। ये ऐसे तो तुलसा जी आपकी जैसी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से और भी लोगों को होगी, है ना? तो बिल्कुल, और कोई घरेलू कोई उपाय कर सकते हैं? घरेलू उपाय इसका देखिए ये है कि आप जो है वो गर्म चीजें थोड़ा सा पानी में जो है अदरक, काली मिर्च, लौंग और जावित्री, जायफल और दालचीनी, इनको मिला के थोड़ा थोड़ा डाल के बॉईल कर लें और वो पानी पी लें, आपकी गले की खराश बहुत जल्दी सही हो जाएगी और आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत हो जाएगी, जो आने वाला बुखार आपको ना। जी बताइए क्या पूछ रही। थैंक यू सर, मैं धन्यवाद देती हूँ आपको फिर एक बार, और आप तो मेरे पास हैं क्योंकि मैं हर बार अभी जरूरत पड़ेगी तो तुरंत ही फोन मिला के नंबर है और जानकारी ले सकती हूँ आप। बिल्कुल, कभी भी हमारे सारे 90.4 मेगाहर्ट्ज के दर्शकों के लिए हमारा नंबर सदैव मौजूद है। जी थैंक यू, जल्दी ठीक हो जाइए। धन्यवाद धन्यवाद। डेंगू चिकनगुनिया के बारे में हम आगे भी बहुत सारी बातें करेंगे, और श्रोतागण हम आपको एक बार फिर से बता दें कि 90.4 CMS कम्युनिटी रेडियो पर कार्यक्रम चल रहा है सेहत की बात डॉक्टर के साथ, और आज आपके अपने जाने पहचाने डॉक्टर उमंग खन्ना हमारे साथ हैं। इनसे बात करने के लिए आप मिला सकते हैं 411-3351। एक कॉलर जोड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार आपको, डॉक्टर साहब को और सभी सुनने वालों को बहुत बहुत स्वागत है आपका, और अपना नाम भी बता दीजिए। जी हम महेंद्र बोल रहे हैं त्रिवेणी नगर ठाल से। जी महेंद्र जी, जी और डॉक्टर साहब आए हैं तो इसके लिए हम उन्हें बधाई के वो पात्र हैं कि वो हम श्रोताओं की मांग पर जब बुलाया जाता है तो वो दौड़े चले आते हैं। महेंद्र जी आपके इसको मैं अपना परिवार मानता हूँ और मुझे यहाँ शांति मिलती है। आपको मुझसे जो जानकारी चाहिए मेरा नंबर भी मैडम बता देती हैं, जब भी जो जानकारी चाहिए आपको कभी निराशा नहीं मिलेगी, तुरंत उसका समाधान मिलेगा। ये मेरा परिवार है और मैं इसको परिवार के रूप में ही मानता हूँ। जी जी, आप जैसी सोच वाले डॉक्टर समाज में कम है, अगर आप जैसे और भी लोग हो जाए तो इस समाज से बुराई नाम की चीज जो है वो जड़ से समाप्त हो जाएगी। बहुत अच्छी बात आपने कही है महेंद्र जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि डॉक्टर उमंग खन्ना जी जैसे लोग समाज में बहुत कम है। डॉक्टर उमंग खन्ना जी हम इनको इनके मेडिकल टर्म्स में अगर हम कहें तो हाँ डॉक्टर साहब है, होम्योपैथिक एक्सपर्ट है, बहुत बड़े एक्सपर्ट है। साथ ही साथ इनकी जो पहचान सबसे ज़्यादा मुझे लगता है महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक कार्यकर्ता। समाज से इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं और समाज के लोगों के लिए ये पूरी तरह से समर्पित है, और इनको अभी कुछ अवार्ड्स भी मिले हुए, उनके अभी जिक्र करेंगे हम। लेकिन फिलहाल आप जो कहना चाहते हैं, जो पूछना चाहते हैं वो जरूर कहिए। तो हम ये जानना चाहते हैं जी कि जैसे कि किसी को भी डेंगू या निमोनिया अगर हो जाता है जी, तो उस समय जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मच्छर को पहली बार तो काटने ही ना दें। मच्छर तो काफी चालाक होता है, वो कहीं ना कहीं से काट ही लेता है। हाँ, मेरे ख्याल से कवर होना चाहिए बॉडी पार्ट, और 4 फीट की ऊंचाई पर है शायद ऐसा कुछ। उसमें एक चीज और है महेंद्र जी, अपने कोई इम्यूनिटी को आप मजबूत रखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होनी चाहिए। मैं तुलसा जी और आपको और अपने तमाम श्रोताओं को 1 apple a day keeps a doctor away। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने सारे श्रोताओं से, सेब इस समय 50-60 रुपए किलो है मात्र, और 1 किलो सेब में 1 हफ्ते से ऊपर का सेब चढ़ता है जी। तो जो भी आपकी फाइनेंशियल स्थिति हो, लेकिन 50 रुपए आप अफोर्ड कर सकते हैं 10 दिन के लिए अपने शरीर पे जी। तो एक सेब सुबह रोज खा लें, परिवार में एक सेब सब बच्चों को खिला दें,
आप देखेंगे आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। और साथ ही आपने डेंगू की बात करी, मैं इसको आपको बचाव की दवा भी बता रहा हूँ और निश्चित दवा है बचाव की। महेंद्र जी अगर आप नोट कर सकते हैं या किसी से कह सकते हैं कि वो नोट कर ले तो जरूर अच्छा नोट कर ले। मैं तमाम श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि यूपेटोरियम 200 और जेलसीमियम सेमी परवाइनम 30, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यूपेटोरियम परफोरेटम इसको 200 पावर में और जेलसीमियम 30 पावर में दो दो बूंद आप 3 दिन तक अपने और परिवार में बच्चों और बड़ों और सबको दे दें। बहुत उम्मीद है 99% कि आपको डेंगू मच्छर के काटने के बाद भी नहीं होगा। अरे वाह महेंद्र जी, जी नोट किया आपने या रिकॉर्ड किया? जी इसको हम रिकॉर्डिंग जब सुनेंगे तब लोगों को तैयार रख के और ये दवाइयों के नाम लिखवाएंगे। और हमारा अगला प्रश्न है जी कि जैसे कि डेंगू हो जाता है तब किसी को, तो उस समय हमें खान पान कैसा रखना चाहिए जिससे कि इंसान जल्द से जल्द बिल्कुल से बाहर बहुत, आ सके। बहुत अच्छी बहुत बात अच्छा है, बहुत अच्छी महेंद्र जी। देखिए यही समाज के असली जागरूक लोग महेंद्र जी जैसे लोग हैं। समाज के असली जागरूक वो नहीं है जो इस समय डिबेट सुन रहे होंगे टीवी पे, लोग चिल्ला चिल्ला के 50 लोग बात कर रहे होंगे और एक लड़ाई की स्थिति आपस में स्टूडियो में होगी। एक वो डिबेट है और एक ये कार्यक्रम है जी। अगर किसी को डेंगू है तो उसको कहा जाता है फ्लूइड्स बहुत लें, जो पीने वाली लिक्विड लिक्विड फ्लूइड जो पीने वाली तरल पदार्थ है उनका सेवन आप बहुत ज्यादा करें। उससे आपके बॉडी का वायरल लोड कम होता है, वायरस कम होता है क्योंकि यूरिन के माध्यम से वायरस पास होता रहता है। कुछ नहीं तो पानी ही ज्यादा, कुछ नहीं तो पानी पियो, पानी बॉईल करके पिए। हाँ। और यहाँ पे मैं दर्शकों को और दो तथ्य बताना चाहता हूँ मैम आपके माध्यम से। पहला कि जो पानी है हो सके तो तांबे के बर्तन में पानी पिए। हाँ ये हमारे पुराने जमाने में लोग कहते आए थे कि तांबे का बर्तन का पानी रात में रखा हुआ सुबह पिए, ऐसा कुछ सुना था मैंने। मैम पुराने समय तो छोड़िए, पुराने समय में लोग नदी में तांबे का सिक्का फेंकते आए थे। अब जो ये चलन चलता है, हम लोग जब ट्रेन से जाते हैं तो गंगा जी हैं तो उसमें सिक्के फेंक देते हैं। ये सारा जो बात शुरू हुई है ये हुई है विक्रमादित्य जी के टाइम पे, जब लोग तांबे के सिक्के नदी में फेंक देते थे फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपुल, क्योंकि तांबा पानी को डिटॉक्सिफाई करता है, पानी को सही। तो अब तांबे के सिक्के तो नहीं आते जो हम लोग नदी में फेंक सके, लेकिन तांबे के बर्तन आते हैं जो 600-700 रुपए एक बार जीवन में खर्च करके आप अपने घर वो बर्तन रख सके और उस बर्तन में पानी पी सके, आपके प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होगी। और एक और रोचक तत्व मैं यहाँ बताना चाहूंगा, ये मेरा परिवार है, मैं यहाँ आया हूँ 90.4 MHz पर, कि तांबे का भी आप गिलास ना लीजिए। तांबे का गिलास परसिया के टाइम में गिलास, हम लोग पहले आदिकाल में क्या यूज होता था, लोटा यूज होता था। उसके बाद जब पर्सियन पीपुल आए तो उन्होंने जो है गिलास, और अंग्रेज आए उन्होंने गिलास का इंट्रोडक्शन कर दिया, पानी गिलास में पीने लगे। जो गिलास होता है उसका सरफेस टेंशन पानी का ज्यादा होता है। अच्छा। तो वो जब आप पीते हैं तो भी आपको तनाव आता है बनिस्पत लोटे के, जिसका कि क्योंकि मुंह चौड़ा होता है और गोल होता है, राउंड होता है। तो हमेशा आप जो हमारे फिजिक्स के स्कॉलर होंगे या जो CMS की मैडम सुन रही होंगी, जो फिजिक्स की टीचर होंगे या सर जो होंगे, तो पानी का सरफेस टेंशन लोटे में कम होता है। तो जब आप लोटे से पानी पीते हैं तो वाटर हैज अ मेमोरी, ये साइंस ने प्रूफ कर दिया है, पानी की याददाश्त होती है। अरे बाबा। और उसका ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हैं मॉलिकुलर लेवल पे, कभी भी नॉट एट द केमिकल लेवल बट एट द मॉलिकुलर लेवल। तो जब आप तांबे के लोटे में पानी पीते हैं तो आप कम सरफेस टेंशन का पानी पी रहे होते हैं, तो इससे आपके शरीर का तनाव भी कम होता है। तो अगर वाकई आप चमत्कार देखना चाहते हैं, मैं एक हफ्ते का आपसे समय ले रहा हूं, आप एक हफ्ता आप तांबे का लोटा ले आइए और एक हफ्ता उससे पानी पीजिए, रात में रखा हुआ सुबह पानी पीजिए, और हमको जरूर बताइएगा मैडम के माध्यम से 90.4 MHz कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है, बॉडी का जो सर का भारीपन है, जो तनाव है, वह कम हुआ कि नहीं और आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी कि नहीं, कि आप एक हफ्ते बीमार नहीं पड़े। जी बहुत अच्छी बात करना चाहेंगे जी। उसके बाद इजाजत चाहेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कहिए जल्दी से जी। कि जैसे कि मलेरिया में अगर कई बार क्या सूजन भी हो जाती है डेंगू या मलेरिया में, तो ऐसा क्यों होता है, उस वक्त हमें सावधानी क्या बरतें जी? ये बात जो है सर, हमारा भी भारी हो जाता है और चक्कर जैसे भी आते हैं, तो इन सब चीजों में हमें जरूर
बताएं डॉक्टर साहब जी, और इतनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए, इसके बारे में भी बात होगी। और एक कॉलर बीच में जुड़ना चाह रहे थे, हम चाहेंगे कि अब वो फोन कर सकते हैं 0522-411-3351, ये नंबर डायल करके आप बता सकते हैं। देखिए बीच बीच में कॉलर ने कभी निमोनिया के बारे में पूछा, कभी मलेरिया के बारे में पूछा, हम इसीलिए आपको समुंदर बोलते हैं कि कोई भी कहीं से भी कुछ भी पूछ ले, उसका हर एक उत्तर डॉक्टर उमंग खन्ना जी आपके पास मिलेगा। पर हम चाहेंगे कि एक एक स्टेप करके, क्योंकि एक कॉलर जुड़ रहे हैं, चलिए उनसे बात करते हैं हम। हेलो, हाँ नमस्कार सोमा जी और डॉक्टर साहब नमस्कार। मैम नमस्कार, आप बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बता दीजिए। मैं अर्चना अग्रवाल बोल रही हूँ गोमती नगर से। जी अर्चना जी, आज बहुत दिनों बाद डॉक्टर उमंग खन्ना जी से बातचीत सुन रहे हैं जी। और मैं ये, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि ये शायद आम आदमी या बहुत से जाने लोगों को भी इतनी जानकारी नहीं है कि सरफेस टेंशन वाली बात जो बताई कि लोटे में पानी पिएंगे तो सरफेस टेंशन कम होगा ग्लास की अपेक्षा, और जो कि अपने पीने में भी अपने शरीर को भी टेंशन कम देगा, ये बहुत अच्छी बात बताई जी। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति 80 वर्ष का है तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या अपनी दिनचर्या में क्या अच्छा बदलाव रखे, और इसी तरह से 50 वर्ष का अगर कोई महिला है तो वो अपने दिनचर्या में किस तरह से रखे कि आजीवन वो स्वस्थ रहे, चलते फिरते रहे जीवन भर। आपने दो ही क्वेश्चन में पूरा पूरा सार ले लिया है। मैं बहुत अच्छा वास्तव में जी अर्चना, समाज हित के लिए थैंक यू कर रही है काम। मैं आपको बताता हूँ जी, बताइए। पहली बात तो देखिए, जो 80 साल तक जी गया वास्तव में सब अच्छा कर रहा है आज के दौर में, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, आपके अगर कोई बुजुर्ग घर में है, अगर आपका अच्छा नसीब है, आपकी कुछ नसीबी है कि किसी बड़े का साया घर पे है, तो उसको आप सुबह एक एप्पल नाश्ते में जरूर दीजिए, एक सेब जरूर देना चाहिए। और कॉर्नफ्लेक्स, मिल्क और कॉर्नफ्लेक्स उसको जरूर दें, क्योंकि उसके बॉडी को उससे फाइबर मिलता रहेगा। कॉर्नफ्लेक्स यानी कि मक्का से, जो पतले जो वेफर्स टाइप होते हैं, वह दूध के साथ में उसको जरूर दें। उसके अलावा उसको जो है जो रोटी दें, रोटी मल्टीग्रेन दे, क्योंकि इस एज तक आते आते आपका इंटेस्टाइन वीक हो चुका होता है जी, तो रोटी उसको मल्टी मैदा वाले या रिफाइंड जो फ्लोर होता है उससे ना दें, रिफाइंड फ्लोर बिल्कुल ना दें। और यहाँ पर एक चीज और बीच में विषय से अलग है, लेकिन नहीं बताइए, रिफाइंड तेल का इस्तेमाल ना करें। मैं अपने श्रोताओं से निवेदन करूंगा, सबसे अच्छा मस्टर्ड ऑयल, जो सरसों का तेल है, रिफाइंड, क्योंकि क्या है ना, रिफाइंड तेल कुदरत के जो बनाया हुआ तेल है उससे कुछ चीजों को हटा के आपने एक डिफरेंट केमिकल कंपाउंड बना दिया। अच्छा, यानी कि आप कुदरत से दूर हो गए जी। भाई अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो देसी घी का इस्तेमाल करें, और हर व्यक्ति हर चीज में नहीं अफोर्ड कर सकता, तो मस्टर्ड ऑयल प्योर होता है, इतना प्योर होता है कि आप खुद ही जाके पिरवा सकते हैं। मतलब क्या होता है, मिलावट की संभावना बहुत कम हो जाती है, रिफाइंड का इस्तेमाल कम कर दे। रिफाइंड का इस्तेमाल आप गूगल करिएगा, आजकल सब लोग जो है वो समर्थ हैं जानकारी, तो गूगल करिएगा तो आप देखेंगे कि रिफाइंड को आप प्रेजेंट टाइम में बहुत अच्छा नहीं पाएंगे। आप सब्जी हो पकाने की बात हो तो सरसों के तेल में घर में पकाएं, और रोटी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत हल्का देसी घी में पकाएं, मल्टीग्रेन आटा। तो बुजुर्गों के लिए आप ये काम करें, उनको समय समय पे पानी देते रहें, उनकी स्किन डिहाइड्रेट ना हो, पानी ज्यादा दे। और रात का भोजन कैसा, रात का भोजन थोड़ा सा हल्का हो, और यकीन मानिए वो खुद ही हल्का करेंगे, बुजुर्ग एक दो रोटी से ज्यादा क्या खाते। अर्चना जी का दूसरा सवाल हम बाद में उसका आंसर लेंगे, पहले एक कॉलर जोड़े उनसे बात करते हैं। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी, नाम बताइए। हाँ जी, तरुण वली का। हाँ जी, आप प्रश्न कीजिए अपना। मैम मुझे स्किन की एलर्जी है बहुत। क्या दिक्कत होती है भाई साहब एलर्जी में? सर मैं कुछ भी, मैंने दही खाई, कर्ड खाया, दाल खाई, कुछ भी, तो इचिंग हो जाती है बहुत। और वो लाल लाल बम्स आते हैं चकत्ते ऐसे? हाँ जी, तो अर्टिकेरिया की दिक्कत है भाई साहब, ये एलर्जी ही है, ये एलर्जी ही है, एक तरह की अर्टिकेरिया की दिक्कत है। इसके लिए हम आपको दो दवा बता रहे हैं, आप नोट कर लें, दो दवा आपके शायद बहुत काम आ जाए। पेपर पेन अगर साथ में है या फिर आप अपने मोबाइल पे अगर रिकॉर्ड कर सकते हैं तो रिकॉर्ड कर लीजिए। हाँ जी, पहली दवा भाई साहब इस एलर्जी की है, वह है आपको मिल्क से एलर्जी है, दूध से?
नहीं दूध से नहीं। किससे है आपको? एग से। हेलो, आपको एलर्जी किस किस चीजों के खाने पे होती है? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे ख्याल से, बताइए, सुन पा रहे हैं आप? हेलो, मेरे ख्याल से इनको, लेकिन मैं इनका जवाब दे देता हूँ क्योंकि ये बहुत लोगों की दिक्कत है। पित्ती उछलना इसको कहते हैं, अर्टिकेरिया बहुत लोगों को इस समय हो रहा है। तो इसकी श्रोताओं, बहुत अच्छी दो दवाएं हैं। पहली दवा है एस्टेकस फ्लूवाइटिस, नोट कर लें जिन दर्शकों को हमारे जैसे ही खुजलाते हैं वहां पे स्क्रैच पड़ के लाल हो जाता है, इसकी बहुत, इसको अर्टिकेरिया कहते हैं, और अगर खुजलाने पे होता है तो इसको डर्मोग्राफिक अर्टिकेरिया कहते हैं। इसकी दवा एस्टेकस फ्लूवाइटिस 30 और दूसरी दवा है अर्टिका यूरेंस 30। मिल जाता है इजीली, बहुत इजीली। और तीसरी एपिस मेलिफिसिया 30। आप ये तीन दवा का कॉम्बिनेशन ले लीजिए। मैडम ने हमको बताया प्रोग्राम रिपीट होगा तो आप इसको दोबारा लिख लीजिएगा, ना लिख पाए तो आप ये तीन दवा ले लीजिएगा। आपका जो अर्टिकेरिया का समस्या है 80% आपको आराम मिल जाएगा। और कितना लेना होगा? कितना? दो दो बूंद, 30 पावर में दो दो बूंद सुबह दोपहर शाम, एक हफ्ते तक। एक हफ्ते तक ये जरूर ले लेंगे। और इस तरीके की समस्या अगर किसी को होती है, ये काफी कॉमन है इस समय पोल्यूटेड एनवायरमेंट में, ये काफी कॉमन है। अब बाकी श्रोता भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं 0522 411 3351, इस नंबर पर कॉल करके आप डॉक्टर उमंग खन्ना जी से बात कर सकते हैं। ये अर्चना जी ने एक दूसरा प्रश्न भी पूछा, बात पूछी थी कि महिलाओं में 50 वर्ष की है उनके लिए, उन महिलाओं के लिए। एक कॉलर जोड़े, पहले उनसे बात कर ले। हेलो, हेलो जी, आपका फोन शायद कट गया था, है ना? हेलो, हेलो, हाँ जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, नाम बताइए। मेरे को सेहत के बारे में जानकारी चाहिए थी मैम। नाम बताइए प्लीज। महेंद्र सिंह राजपूत। महेंद्र, आप क्या जानना चाहते हैं? जी मैं सेहत बनाने के बारे में जानकारी चाहता हूं। सेहत बनाने के बारे में महेंद्र भाई, इसके लिए हम बहुत अच्छा फार्मूला आपको बताते हैं और दवा भी बताते हैं। फार्मूला ये है, अब मैं कोशिश करूंगा कम समय में ज्यादा जानकारी अपने श्रोताओं तक पहुंचा दूं। तो इसके लिए आप जो है दूध, केला और शहद, इन तीनों चीजों को साथ में पिए। आपको 3 महीने में आपको लगेगा कि आपका मसल्स बिल्डिंग शुरू हो गई। प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा लें, लेकिन वो प्रोटीन नहीं जो जिम में बिकता है, 800, 1000, 1200, 1500 का प्रोटीन बिकता है, वो नहीं। क्योंकि हम अपने क्लिनिक पे देखते हैं कितना नुकसान लोगों को होता है जब वो प्रोटीन छोड़ते हैं। कुदरती चीज लीजिए, तो दूध, शहद और केला, इन तीनों चीजों को लीजिए। और होम्योपैथी में एक दवा थी अल्फा अल्फा, आप अल्फा अल्फा मदर टिंचर ले लें, 20 ड्रॉप सुबह शाम लें, 20 ड्रॉप आधे कप पानी में सुबह और 20 ड्रॉप आधे कप पानी में शाम। इसका आप सेवन करें, आप देखेंगे कि आपको 3 महीने में अपना मन चाहा रिजल्ट मिल जाएगा। जी जी, थैंक यू सर, करके देखिएगा। थैंक यू सो मच महेंद्र जी कॉल करने के लिए। धन्यवाद भाई, धन्यवाद सो मच। अब बाकी श्रोता भी जुड़े 0522 411 3351। अभी आधे घंटे से भी कम समय बाकी है तो आप जितना चाहे उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। ये अर्चना जी के दूसरे सवाल का, देखिए उन महिलाओं के लिए जो 50 वर्ष की हैं और सभी के लिए, अब आपको जीवन में एक और परिवर्तन लाना पड़ेगा। मतलब हिंदुस्तान में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान साथ में, इट इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज, इट इज द कैपिटल ऑफ ब्लड प्रेशर, इट इज द कैपिटल ऑफ आर्थराइटिस। आर्थराइटिस, हाँ, हिंदुस्तान इन चीजों की राजधानी बन गई दुनिया की। तो आपको लाइव फूड्स यानी स्प्राउट्स पे आना पड़ेगा, अंकुरित चने या दाल, अंकुरित चने या दाल और अंकुरित सब्जियां जिनमें जीवन होता है। जीवन कैसे होता है? आप बहुत सी चीजों को रख दो जो जिनको पेड़ से हटा दिया जाता है लेकिन फिर वो अंकुरित होती रहती है। तो आपको उन सब्जियों को, जैसे बीन्स होते हैं जी, सेम हो गई और तमाम चीजें हो गई, तो बीन्स वाली जो सब्जियां होती हैं आपको इस तरफ अडाप्ट होना पड़ेगा। और ये बर्गर की संस्कृति को अब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कैंसर, WHO कहता है कैंसर जो है हिंदुस्तान में अगले 10 साल की होने वाली सबसे बड़ी बीमारी है। एक कॉलर जोड़े, उनसे बात करते हैं। हेलो, हेलो, बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए। जी सोना साहिब से। बहुत बहुत स्वागत है, प्रश्न कीजिए। सर मुझे ना पैरों में बहुत दर्द रहता है मैम जी, तो कुछ भी कर लूँ तो आराम नहीं मिल रहा है। आपकी एज क्या है मैडम? एज 35। और दर्द पैर में, मतलब घुटने में होता है? घुटने से लेके पूरे पैर के तलवों तक, और बहुत भयंकर रहता ही है। कभी यूरिक एसिड चेक हुआ है आपका? जी यूरिक एसिड चेक हुआ है, बट अभी हाल में नहीं हुआ है, बट बढ़ा हुआ है मेरा। बढ़ा ना, बस देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या करिए।
पहली चीज़ आप पानी पीना बहुत शुरू करिए ताकि जो एक्स्ट्रा यूरिक एसिड है वो शरीर से फ्लश आउट हो जाए। दूसरी चीज़ आप सलाद में मूली लेना शुरू करिए, मूली आपका 15 दिन में यूरिक एसिड सही कर देगी। बहुत छोटा सा काम है, मूली इस समय बहुत आती फसल है मूली की जी। और मूली लाइफ फूड है क्योंकि मूली का आप पत्ता रख दीजिए, जब तक पत्ते मूली पे रहेंगे मूली खराब नहीं होगी। आप ये करके जब पत्ते सूखेंगे उसके बाद ही मूली खराब होगी जी। और तीसरी बात आ गई दवा, तो 35 साल अभी उम्र आपकी ज्यादा नहीं है, इसके लिए आप दवा नोट कर लीजिए मैडम। पहली दवा, दो दवा यूरिक एसिड की है, पहली दवा है कोल्चिकम 30, कोल्चिकम ऑटमनेल, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, टिपिकल नाम है लेकिन ये हेड रेमेडी है यूरिक एसिड ठीक करने की। कोल्चिकम 30 इसको आप दो दो बूंद दिन में 3 बार 1 महीने तक ले लें। और दूसरी दवा इसकी अर्टिका यूरेंस 30, ये दोनों दवा आप 1 महीने तक ले लें, आप देखेंगे 15 दिन के अंदर आपका यूरिक एसिड ठीक हो जाएगा, बाकी 15 दिन आप एक्स्ट्रा कर लीजिएगा। और दूसरी चीज कि आप पानी बहुत पीजिए, एक्स्ट्रा यूरिक एसिड को फ्लश आउट कर लीजिए। और दूसरी बात आती है जो घुटने में दर्द है आपको, घुटने में दर्द के लिए आपको रस्टॉक्स 1 EM इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लीजिए, आपका पूरा जाड़ा अच्छे से कट जाएगा, आपको दर्द का एहसास नहीं होगा और पेन किलर आपको नहीं लेनी पड़ेंगी जी। हम उम्मीद सर मुझे हाँ। मुझे पिगमेंटेशन की भी प्रॉब्लम है 4-5 साल से, और मेरा वेट भी इतना मतलब डीट है कि मैं कुछ भी कर लूँ वो टच से मस नहीं होता, चाहे डाइटिंग कर। मैं आपको बता रहा हूँ मैम, आप बहुत अच्छे सवाल उठा रही है, सारे श्रोताओं के लिए बहुत अच्छे हैं। मतलब 80% महिलाएं बताएंगी कि उनके चेहरे पे झाई है, और 50% पुरुष बताएंगे कि उनके चेहरे पे झाई है कैसे खत्म करें। देखिए सबसे पहले अपने लिवर को सही करिए क्योंकि इनको लिवर स्पॉट्स भी कहते हैं। आपका लिवर गड़बड़ होगा तो आपके पिगमेंटेशन आएगा, मिलेनिन पिगमेंट आपकी स्किन में ज्यादा बनेगा जिस जो कि आपको पिगमेंट के रूप में दिखेगा। और आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया है मैडम, हमारे पास बहुत मरीज आते हैं जो पीलिंग से लेके केमिकल ट्रीटमेंट से लेके पूरी पूरी खाल उधड़वा देते हैं। ओहो। ऐसे ऐसे मरीज दिल्ली इल्ली के जो बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं वो आते हैं, उसके बाद वो जब परेशान होते हैं जाहिर सी बात तभी डॉक्टर के पास आएंगे जी। तो वो अपनी आप बीती बताते हैं। तो मैं 2 दवा बता रहा हूँ, गोल्डन रेमेडी है जिन जिन श्रोताओं को हमारे झाई है। मैं यहीं पे आपको अगर मैडम का आशीर्वाद रहेगा 90.4 MHz का तो आपको 3 महीने बाद आऊंगा बीच में भी, लेकिन अगर 3 महीने में आप हमको बताइएगा। पहली दवा है सीपिया, सीपिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार। और दूसरी दवा है लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम भी 30 पावर में 2-2 बूंद 3 बार। यह 2 दवाओं का सेवन आप 3 महीने तक लगातार दिन में 3 बार कर लीजिए, आप देखेंगे आपके चेहरे की झाई साफ हो गई और आप अपने मनचाहे रूप से जगमगाने लगे जी। और वेट के लिए मैं आपको बता दूं, वजन तभी कम होगा जब आप चाहेंगी। जैसे हम लोगों का वैसा स्वभाव नहीं है, लेकिन एक प्रैक्टिकल के लिए आपको एक बता रहा हूँ। मान ले किसी को पैसे से खत्म करना है, किसी का पैसा खत्म करना है, उसे कंगाल करना है, तो एक ही तरीका उसका, उसके पैसे की आमद को खत्म कर दो, उसका खर्चा ज्यादा करा दो। इसी तरह आपको कैलोरी अपनी, आपको कैलोरी का इंटेक कम करना पड़ेगा और जो आपके शरीर में जमा कैलोरी है उसको जल्दी से खर्च करना पड़ेगा। वर्कआउट भी बहुत जरूरी है। देखिए मैं आपको बड़ी बेसिक बात बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी दवाएं बता सकता हूँ लेकिन कुछ काम नहीं करेगा जब तक आप अपनी मदद खुद नहीं करेंगी। तो पहले तो आप कैलोरी इंटेक कम करिए, कैलोरी का खर्चा ज्यादा करिए। हम सब सजग नागरिक हैं, आपको पता है वो कैसे करना है। दूसरी बात आती है दवा की, तो बगैर पैसे की दवा पानी है, आप जीरा पानी या दालचीनी पानी, किसी को जीरा पानी सूट करता है, किसी को दालचीनी पानी। ये थोड़ा सा बता देंगे कैसे जीरा पानी? रात में आप एक भगोना पानी लें, उसमें जो है प्रिफरेबली तांबे का लें। खैर भगोना तांबे का संभव नहीं है मैं समझता हूँ, तो कोई भगोना हो आपका या कोई वेसिल हो उसमें आप थोड़ा सा जीरा डाल के उसको बॉईल कर लें, और बॉईल करके उसको रात में रख के सुबह वो पानी पिएं। या फिर आप दालचीनी रात में छोटा सा टुकड़ा, दालचीनी बहुत गर्म होती है उसको ज़्यादा ना लीजिएगा, उसको पानी में डाल के वो पानी आप पी लीजिए, आपका वेट लॉस होने लगेगा जी। तीसरा पहलू आता है एक और इसमें खाने पीने का, मैं आपको 7 दिन का प्लान बता रहा हूँ, 6 किलो वजन कम होगा। सुनिए ध्यान से सारे श्रोताओं के लिए पेश है हमारा। पहले दिन आपको जो है वो केवल फल खाने, केला छोड़ के, दूसरे दिन आपको केवल सब्जियां खानी है आलू छोड़ के, तीसरे दिन आपको फल और सब्जियां दोनों खानी है केला और आलू छोड़ के, चौथे दिन आपको जो है वो दूध पीना है, दूध के साथ आप केले ले सकते हैं क्योंकि थोड़ी वीकनेस आएगी, पांचवें दिन आपको वेजिटेबल्स और राइस ले सकते हैं, छठे दिन आप फ्रूट्स वेजिटेबल और राइस ले सकते हैं, और सातवें दिन जितना बताया इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। ये GMC डाइट प्लान कहते हैं, आप गूगल कर लीजिएगा, शायद इतनी जल्दी आपको पूरी बात समझ में ना आए, लेकिन GMC रिकॉर्ड कर लिया है। धन्यवाद मैम। तो आप तो मैडम आपसे रिक्वेस्ट है कि समाज में अन्य लोगों को भी बताइएगा जी।
बिल्कुल फैलाइए इसको मैडम। जीएमसी डाइट प्लान कहते हैं, जॉन हॉपकिंस रिसर्च इंस्टीट्यूट का टेस्टेड प्लान है। और आप किसी भी बड़ी संस्था में स्पा ब्यूटी पार्लर में कार्नर पे जाते हैं तो आपको 50,000 रुपए लेके भी वो यही कराएंगे जी। बस सीएमएस कम्युनिटी रेडियो पे आपको बहुत सहजता से ये बात बता दी गई है। यही बात अगर आप बड़े शोरूम में जाएंगे तो बैठा के आपको 2 घंटा काउंसलिंग करके इतनी ही बात कहेंगे। और लेकिन क्योंकि जैसे हम लोग तो गांधी जी हम लोग के प्रेरणा स्रोत हैं, आदरणीय श्री जगदीश गांधी जी जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, तो जैसे वो सिंपल हैं तो हम लोग भी आपको बात सिंपलिसिटी में ही बता रहे हैं। और तीसरा विषय आता है दवा। आप उसका बेसब्री से इंतजार कर रही होंगी। हाँ। इसकी मैम बहुत अच्छी दवा है, कैल्केरिया कार्बोनिकम। कैल्केरिया कार्ब 30 आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में कोई भी महिला ले सकती है, जो कि जिसका डिलीवरी के बाद आफ्टर पार्चुरेशन आफ्टर डिलीवरी वेट बढ़ा हो, कैल्केरिया कार्ब बहुत सहजता से वेट को कम कर देती है जी। लेकिन मेरी मतलब मेरी डिलीवरी जब हुई थी उसको तो 12 साल हो चुके हैं, मतलब जो लास्ट। कोई बात नहीं, लेकिन उस पीरियड से आप गुजरी हैं तो हार्मोनल चेंजेस तो उतने हो चुके हैं, तो आप उस पारिवारिक दायित्व को निभाने के बाद जो अब ये महिलाओं को हो जाती है दिक्कत, तो कैल्केरिया कार्ब इसकी सिंगल रेमेडी बता रहा हूँ। देखिए दवा तो अगर हमारे होम्योपैथ के जानकार हो तो हो सकता कह रहा हूँ डॉक्टर साहब ने फ्यूकस का काम नाम क्यों नहीं लिया, फाइटोलका का नाम क्यों नहीं लिया, ग्लोबुलस गाबरा का नाम क्यों नहीं लिया, मैं एक दवा लाइकोपोडियम का नाम क्यों नहीं लिया, इग्निशिया का नाम क्यों नहीं लिया, लेकिन मैं एक दवा आपको बता रहा हूँ जो आपकी हेल्प कर दे, वो है कैल्केरिया कार्ब। ये तजुर्बे की बात है, ये सबसे अच्छी दवा। बिल्कुल हम ये मिलेंगी कहाँ सारी। हाँ, ये भी तो बात है। होम्योपैथिक स्टोर मैम कहीं भी जाइए, 60 रुपए की शीशी आती है और एक शीशी आपकी 6 महीना चलेगी। 60 रुपए में 6 महीने की दवा आपको मिल जाएगी और उसी बीच आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इससे सस्ता विकल्प 90.4 MHz से सस्ता विकल्प आपको कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही। हम उम्मीद करते हैं आपने जो भी प्रश्न पूछे उसका आपको वाजिब जवाब मिल गया होगा। मैम एक रिक्वेस्ट थी, जो यूरिक एसिड के लिए फर्स्ट पार्ट बताई ना दवाई वो। हाँ वो बहुत जरूरी मैडम, यूरिक एसिड की दवा है, हमारे सारे श्रोता लिख लें। यूरिक एसिड की देखिए पहचान पहले देख लिए, छोटे जोड़ों में अगर दर्द होता है, सुबह उठे तो मुट्ठी नहीं बंद हो रही है, आपका जो ग्रेट टो है या ग्रेट थंब है यहाँ पे उभार आ गया है, तो वो यूरिक एसिड बढ़ने की स्थिति होती है। उसके लिए पहले प्रॉब्लम नहीं है मुझे सर, मुझे पैरों में ही दिक्कत है। मतलब क्या है ना, देखिए किसी चीज की शुरुआत होती है फिर वो क्रॉनिक होती है, तो हम शुरुआत में ही उसको खत्म कर दें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप कोल्चिकम ऑटोमिनेल 30 और अर्टिका यूरेंस 30 यह 2 दवा दिन में 3 बार 15 दिन 1 महीने तक ले लें, आपका यूरिक एसिड बिल्कुल ठीक हो जाएगा, साथ में पानी बहुत पिए। थैंक यू कॉल करने के लिए, थैंक यू सो मच। बाकी श्रोता भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और देखिए जुड़ने लगे हैं। हेलो हेलो बहुत बहुत स्वागत है, आप तो बहुत छोटी सी हैं, क्या नाम है आपका? नमस्कार मैम, बताइए जी। मैं कहना चाहती हूँ कि किसी के पैरों में अगर स्वेलिंग आ जाती है तो उसका उपचार क्या है डॉक्टर साहब? पैरों में अगर स्वेलिंग आ जाती है। हाँ, आपने अच्छा विषय उठाया, विंटर्स आ रही, जाड़े आ रहे हैं, लोगों के पैर में सूजन आएगी। देखिए सूजन एक बड़ा विषय और बहुत बड़ा विषय होता है, पैरों में सूजन आ रही है तो इसको जो बेसिक हम बात बता रहे हैं, जब आपके कोई बीमारी नहीं है तो आपके ग्रेविटेशनल एडेमा है। ग्रेविटेशनल एडेमा वो होता है कि सुबह आप जब सो के उठे तो बिल्कुल सूजन नहीं है, रात तक काम करते करते आपके पैरों में सूजन आ गई जी। और यह बेसिकली होता है खून की कमी से, जिसके पैर में सूजन होगी 90% केस में उनको अनीमिया होगा जी। तो अनीमिया दूर करने की, और हिंदुस्तान में और सब जगह महिलाओं में कमी हो जाती है हीमोग्लोबिन की, तो उसके लिए बहुत अच्छी दवा है फेरम मेटालिकम। आप फेरम मेटालिकम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 महीने तक ले लें, आप देखेंगे कि आपका पैरों की सूजन स्वेलिंग खत्म हो गई और हीमोग्लोबिन आपका बढ़ गया। अगर वो विषय नहीं है तो जैसे किडनी फेलियर होता है उसमें भी सूजन आ जाती है, लेकिन हम उस डिटेल में न जाके जो आम तौर पे लोगों को होता है उसकी बात करें। दूसरी चीज आ जाती है कि आप कि अगर खून की कमी नहीं है तब आपके सूजन है जी। तो उसके लिए आर्निका और बेलेडोना बहुत अच्छी दवा है, आप आर्निका 1 mg और बेलेडोना 200। सर मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहती हूँ। बताइए। सर मैं अपने स्कूल में एक
बार गिर गए थे तो मेरे हाथ में खून भी नहीं निकला, पर उसकी नस बहुत दर्द करती है, तो उसका क्या उपचार है? अच्छा, अंदर ही अंदर। इसके लिए आर्निका मैडम, इसके लिए भी आर्निका बहुत अच्छी दवा। आप आर्निका 1 mg/hour में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, 15 दिन में आपकी यह स्थिति ठीक हो जाएगी, आपका पेन खत्म हो जाएगा और आप अपने को सामान्य रूप से पाएंगे। जी, थैंक यू, थैंक यू कॉल करने के लिए। बाकी श्रोता भी जुड़ सकते हैं 0522-411-3351 पर, और एक कॉलर हमारे साथ फिर से जोड़ने ला जा रहे हैं। हेलो, हेलो, नमस्ते मैम, बहुत बहुत स्वागत है सर को, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम बता दीजिए। मालती बोल रहे हैं दुल्लापुर से। मालती बोल रही हैं दुल्लापुर से। जी मालती जी, क्या कहना चाहेंगे आप, कहिए। मैम एक सवाल था। जरूर पूछिए। हमारे भतीजे हैं जी, उनके खाना खाने के बाद उल्टियाँ होने लगती हैं। कितना बड़ा भतीजा है आपका? मैं 17 साल। अच्छा सर, ये कब से हो रही है समस्या? 1-2 महीने हो गए हैं। अच्छा, आप बताइए। मैडम देखिए, उल्टी तो तुरंत रुक जाएगी, हम आपको दवा बता रहे हैं, लेकिन आप इसमें 2 बातें कंसिडर कर लीजिएगा। पहली बात है, उनको लीवर में कोई दिक्कत तो नहीं है? तो लीवर में दिक्कत के लिए आप एक LFT करा लीजिए, लीवर फंक्शन टेस्ट, 400 रुपये का होता है, वो करा लीजिए। उसमें आपका SGPT, SGOT और सेरम बिलरुबिन आ जाएगा, एक बार आप उसको चेक कर लें। लेकिन जो आपने बात उठाई कि उल्टी आ रही है तो कैसे रोके खाने के बाद, तो इसकी बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में इपिका। इपिका, हाँ। मालती आप लिख लेंगी कहीं पे या रिकॉर्ड कर लेंगी? जी हाँ, इपिका 1 mg, इसकी आप 2-2 बूंद 3 दिन में 3 बार भैया को दे दीजिए, आप देखेंगे कि उनका वॉमिटिंग रुक गया। और अगर फिर ये परसिस्ट करे तो किसी कुशल चिकित्सक से इसका पूरा चेकअप करा लें, लेकिन इपिका से रुक जाएगा। और यहाँ पे मैं एक बात और, मैं विषय को विषय से जोड़ के, देखिए एक बहुत जरूरी चीज होती है हम लोग के जीवन में, वो होती है फास्टिंग। हाँ, व्रत रखना। व्रत रखना किसी भी रूप में हो, हम लोग तो धार्मिक मान्यताओं के आधार पर रख लेते हैं, लेकिन भगवान सबके लिए अच्छा ही करता है, तो ये कहीं ना कहीं फास्टिंग बहुत जरूरी चीज है। इसमें 2 तरह की फास्टिंग होती है मैम, एक तो वो नींद भी आती है इनको, हाँ बहुत आती है। तो कहीं ना कहीं मैम लिवर का डिरेंजमेंट है, जब लिवर की वीकनेस होती है तो आपको वीकनेस आती है। अच्छा। क्योंकि लिवर इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन आर बॉडी। लिवर में 400 फंक्शन होते हैं, जिसमें ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजिनेसिस, ये सारे फंक्शन लीवर में होते हैं। तो उनका लीवर को आप जरूर एक LFT करा लें, 400-300 रुपए की जांच है, उससे आपको बहुत लाभ मिल जाएगा। मालती आप समझ रहे हैं ना, शायद उनको कोई लीवर की परेशानी है, क्योंकि ये जो आपने लक्षण बताए हैं, खाने के बाद उल्टी आना और कमजोरी सा और बहुत नींद आती है, तो एक बार वो टेस्ट अगर आप करा लेंगे ना तो अच्छा रहेगा, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया है। ठीक है, और बाकी वो दवाइयाँ तो बता ही रहे हैं। दवा आप इपिका दे दीजिए, और मैं और सारे श्रोताओं की जानकारी के लिए, फास्टिंग 2 तरह की होती है, एक होती है वो जो फास्टिंग हम लोग करते हैं और एक वो होती है जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, ये नया कंसेप्ट है मैम, हम थोड़ा सा अच्छे से बताइए, हम समझ नहीं पा रहे। इंटरमिटेंट फास्टिंग मैम, अब देखिए अगर जैसे आप पूरे दिन के लिए व्रत रखते हैं तो क्या होता है, जो आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो आपके जो कैंसर बनने वाले सेल्स होते हैं उनको खत्म कर देता है, अगर आप निर्जल व्रत रख पाए, पानी पिए बिना व्रत, तो आपका जो है जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उतने समय में आपके सारे जो हार्मफुल टॉक्सिक सेल्स हैं उन सब को ख़त्म कर देगा। और अगर आप वो नहीं रख सकते हैं तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है, जिसे आजकल आदत हो गई है, हर 2 घंटे 2 घंटे पे खाना, हाँ आप केवल 2 टाइम खाना खाइए और कुछ ना खाइए। जैसे थोड़ी देर में साहब सुबह से बैठे तो सुबह खाना खाया, उसके बाद फिर 12 बजे अगर जल्दी खाना खाने वाले लोग हैं, या नाश्ता सुबह नाश्ता करा, फिर 12 बजे खाना खाया, फिर 4 बजे फिर नाश्ता करा, फिर जो है 6 बजे कुछ खाने को मिल गया, उसके बाद फिर 4 मील जनरली लेते हैं और बीच बीच में उसके बाद भी रात में फ्रिज ढूंढ रहे हैं कुछ बचा हुआ मिल जाए। तो ये जो कंडीशन है ये आपके लिए बॉडी की टॉक्सिसिटी के लिए बहुत घातक है। 2 टाइम खाना खाएं, वो भी सुबह 10 बजे और 7 बजे, बीच में 12 घंटा कुछ ना खाएं, तो आपका बॉडी स्वयं हार्मफुल चीजों को डिटॉक्स कर देगा। बहुत अच्छी बात बताई, कॉलर जोड़े हमारे साथ। हेलो, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हेलो, हाँ बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए। थोड़ा सा अपना माउथ पीस थोड़ा सा सही करेंगे, अपना आवाज हल्की आ रही है। जी श्याम जी, हाँ प्रश्न पूछिए। एक्सीडेंट मैम हो गया था मेरा जी जी, तो सर ऐसा है वो काफी स्क्रैच आ गया मुंह पे, तो इसके लिए सर कोई दवा
हाँ मैं समझ गया आपकी बात, आपके जो एक्सीडेंट हुआ है इनके मैम, उसके बाद इनके मार्क्स आ गए। अच्छा, बहुत लोग इससे चिंतित होंगे। हाँ? और यहाँ पे तीन बातों में मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। एक तो भाई साहब के जो स्क्रैचेस आ गए एक्सीडेंट के बाद से, स्कार आ गए। स्कार दो तरह के हो गए, एक तो हो गया निशान, एक हो गया गड्ढे। गड्ढे भाई कहीं पे स्टिचिंग हुई? हाँ हाँ वही चीज, मतलब गड्ढे का मतलब कि वहां पे स्क्रैच है, स्किन का टिश्यू का लॉस है। उसकी भाई साहब बहुत अच्छी दवा है सैलिसिया, आप नोट कर लीजिए। सैलिसिया 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार लीजिए। यह आपको उस स्थिति में लाभ दे देगी जब आपके टिश्यू का लॉस हो गया, लाइन या स्क्रैच आ गया है। दूसरा, वो महिलाओं को बहुत लाभ दे देगी जिनके फेस पोर बहुत ज्यादा हैं, जिनके गड्ढे हैं, मुहासों के गड्ढे हो जाते हैं, मुहासों के गड्ढे या फिर फेस पोर बहुत चौड़े चौड़े। और तीसरी, उन स्थिति में लाभ दे देगी जिनको बर्थ मार्क्स हैं जी। और चौथा, उस स्थिति में लाभ दे देगी जिनको आफ्टर प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स हो गए। स्ट्रेच मार्क्स भी सही हो जाता है सैलिसिया? बिल्कुल, निश्चित रूप से सैलिसिया और थायोसिनमनम दो ऐसी दवाएं हैं जो आपके स्ट्रेच मार्क्स को 6 महीना लगातार दवा के सेवन पर ठीक कर देंगी। बहुत सी महिलाएं इससे बहुत परेशान और हताश रहती हैं, तो वो या फिर कोई बच्चा जिसकी हाइट तुरंत अचानक बढ़ गई हो, या फिर आप जिम जाते हैं और आपने मसल्स बहुत जल्दी बना ली हो। हाँ। तो उनसे आप सबके ये स्ट्रेच मार्क्स आ जाएंगे। तो साइलिसिया और थायोसिनमिनम बहुत अच्छी दवा है, और भाई साहब ने जो सवाल उठाया है उसकी दवा भी साइलिसिया है। और अगर आपकी चोट के बाद या दानों के बाद पिगमेंटेशन वाले निशान हो गए, धब्बे हो गए हैं, तो होम्योपैथी में दवा काली ब्रोमेटम है। आप काली ब्रोम 30 दो दो बूंद दिन में तीन बार ले लें। उस स्थिति में आपका जो स्पॉट्स हैं जी, मुहासों के या किसी भी चोट के निशान के, वह भी खत्म हो जाए जी। श्याम जी, तो लगाने के लिए कुछ, लगाने से कुछ नहीं होगा श्याम जी, आप 4000 का ट्यूब लगा लीजिए, आप ठीक नहीं कर पाएंगे अपने को। हम जो जानकारी दे रहे हैं आप उसका लाभ ले, दवाई ही ज्यादा फायदे करेगी। ठीक है श्याम जी। हाँ भाई, दो दो बूंद दिन में अगर सुबह शाम ले लें या तीन बार ले लें तो और अच्छा जी। करके देखिए, ठीक हो जाएंगे, करके देखिए, बताइएगा हम लोगों को। बिल्कुल, थैंक यू। और अब एक और कॉलर जोड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए। हरेन तिवारी बोल रहे हैं, और डॉक्टर साहब को बहुत नमस्कार। धन्यवाद सर। आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, केवल सुनाई दे रहे हैं, बहुत अच्छा किया जो आ गए आज। नहीं, हम दिखाई भी दे रहे हैं अभी मैडम के माध्यम से यूट्यूब, डॉक्टर उमंग खन्ना, आप लॉग इन कर लें DRUMANG KHAANN यूट्यूब पर, तो लाइव भी है। लाइव भी चल रहा है, दो तरह से लाइव चल रहा है। बताइए तिवारी जी। दूर का दर्शन टेलीविजन पर आपको देखते हैं, दूरदर्शन पर भी देख चुके हैं आपको जी। नहीं, बहुत, तिवारी बहुत आते हैं, अक्सर आते हैं, बहुत अच्छा रहता है जी। और सर, ये आ गया है ठंड का मौसम आ गया है, लोग अभी अधकचरे कपड़े पहन रहे हैं, कुछ सुबह शाम ठंड हो रही है, तो इसमें ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस होते हैं। और एक बीमारी और है ब्रोंकाइटिस से मिलता जलता हुआ, मैं भूल रहा हूँ, टी से शुरू होता है, निमोनिया, उसका अंग्रेजी में क्या? हाँ, निमोनिया। हाँ, निमोनिया, यस जी। तो इन दोनों में फर्क क्या है? हाँ, बहुत अच्छी बात कही। देखिए, ब्रोंकाइटिस केवल लंग्स की सूजन होती है, मैं दोनों के बारे में बता रहा हूँ। वास्तव में क्या है ना, आपको आज के दौर में सजग रहना चाहिए, और तिवारी जी ने बहुत सही बात उठाई है, मैं दोनों विषयों को उठाता हूँ। ब्रोंकाइटिस होता है आपका जो, जब आप सांस लेते हैं तो जो आपकी सांस की नली से हवा जाती है आपके लंग्स तक, उसके बीच में ब्रोंकस उस हवा को ले जाता है, यानी कि जो मोटी नली होती है ट्रैकिया के नीचे, जो आपको गले में दिखती है वो हो गई ट्रैकिया, और ट्रैकिया के नीचे होते हैं ब्रोंकस। उनमें जब सूजन आ जाती है, केवल सूजन, आप बात पे गौर कीजिएगा तिवारी जी, केवल सूजन आ जाती है उसको ब्रोंकस कहते हैं, ब्रोंकाइटिस। और जब इस ब्रोंकाइटिस होने के बाद या उसके बिना भी आपके लंग्स का बेसिक पार्ट एल्वियोलाई, एयर सैक, जो आखिरी पार्ट होता है जहां पे ब्लड से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है एयर के माध्यम से, वहां पर जब पस का फॉर्मेशन हो जाता है, ब्रोंकाइटिस एक एलर्जी है लेकिन निमोनिया एक इन्फेक्शन है। जब आपका फंजाई, बैक्टीरिया या वायरस किसी भी माध्यम से आपके जो एयर सैक्स होते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ द लंग्स होते हैं, मूल जो आखिरी कंपोनेंट होता है, उसमें जब पस फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको लंग का इन्फेक्शन यानी कि निमोनिया कहते हैं। उस स्थिति में ऑक्सीजन आपके ब्लड से एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं, और आपको सीने में भारीपन, कसाव, दर्द वहां महसूस होने लगता है,
और ब्रोंकाइटिस में आपको सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बेसिक फर्क है। ब्रोंकाइटिस केवल इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकस है और निमोनिया आपका इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स है। निमोनिया ज़्यादा खतरनाक स्थिति होती है, ब्रोंकाइटिस मोर मैनेजेबल कंडीशन होती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जी। ये बताइए इस सीजन में बचे रहने का, इन बीमारियों से बचे रहने के लिए क्या करना? सर मैं एक दवा आपको बता रहा हूँ, थोड़ी सी महंगी शीशी है, 260 रुपए की, लेकिन आप घर ले आइए, जान है तो जहान है। दवा का नाम है इचिनेशिया ऑगस्टिफोलिया। इचिनेशिया, हमारे सारे दोस्त नोट कर लें। बहुत आप लोगों के बहुत लोग हैं जो कहें हमारा बच्चा हमेशा बीमार रहता है, मौसम बदला उसको नजला हो गया, मौसम बदला उसको बुखार आ गया, मौसम बदला उसको ठंडक लग गई। तो इस सारी आपके कष्टों का निदान और आपके मेहनत के पैसे को बचाने का उपाय है इचिनेशिया। 260 रुपए की शीशी होती है, आप इचिनेशिया 1x पावर में या मदर टिंचर ले लें। अगर आप मदर टिंचर ले रहे हैं लिक्विड फॉर्म में तो 10 बूंद सुबह शाम आप ले लें, घर के बुजुर्गों को दे दें और बच्चों को दे दें। और अगर आप टैबलेट में 1x फॉर्म में ले रहे हैं तो एक एक टैबलेट सुबह शाम दे दें, आपका इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी और इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी तो आपको बीमारी नहीं होगी। और यहाँ तिवारी जी एक जानकारी और दे दें, आप बहुत तथ्य वाले सवाल पूछते हैं हमेशा, वो ये है कि जो ब्रोंकाइटिस होता है वो जवान लोगों को ज़्यादा होता है, जो निमोनिया होता है वो 2 साल से कम के बच्चों और 65 साल से ज़्यादा बुजुर्ग आदमी को ज़्यादा होता है। जी ये डॉक्टर साहब, इस सीजन में हम लोगों को केला दही वगैरह खाना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, खाइए सब, लेकिन अपने को बचा के खाइए। जैसे जहाँ तक दही का विषय है उसमें गरम मसाला डाल लीजिए। अच्छा, कुछ हाँ, जीरा भुना या हाँ, जीरा भुना इस तरह गरम चीजें डाल लीजिए, उसकी तासीर गरम होगी। रात में ना खाइए, दिन में खाइए, और फ्रिज का निकाला हुआ ना खाइए। भाई आपको पता है कि आपको 10 बजे खाना खाना है, 7 बजे जब बच्चों को तैयार करने के लिए स्कूल के लिए उठे उसी समय सारे सामान को, मैं कहता हूँ सारे खाने के सामान को फ्रिज से निकाल के डाइनिंग टेबल पे रख दीजिए। और केला, केला केला खाइए, केला में कोई बुराई नहीं। बस क्या है कि यहाँ मैं फिर एक बात कहूँगा तिवारी जी, अब मैं यहाँ थोड़ा साफ कहेंगे आध्यात्मिक हो रहा हूँ, लेकिन मैं आपको वो जानकारी देना चाहता हूँ 90.4 MHz के माध्यम से जो आपके जीवन में काम आए जी। एक बात यह है कि मैं बड़ी बड़ी बातें करके यहाँ चले जाऊँ, बड़े बड़े नाम बता जाऊँ, एक चीज होती है, मैं पढ़ रहा था भूत शुद्धि, भूत शुद्धि होती है, आप भी इसके बारे में जानते होंगे मुझे पता है। तो इसमें 5 components का आप जीवन में सेवन जरूर करिए। पहला हो गया जल, हमने आपको बता दिया कि तांबे के पानी में पीजिए और उसका रखा हुआ पीजिए। जल के बारे में बता दूं, जल की मेमोरी होती है, वाटर की मेमोरी होती है, साइंस ने प्रूव करा, आप गूगल कर लीजिएगा। तो उसके बाद वो उसको ठहरा पानी, जैसे कुएं का पानी क्यों अच्छा होता है, क्योंकि वो गुलाई का होता है, तो कुएं के पानी आपको शीतलता देता है। तो पहला हो गया पानी, आप तांबे के लोटे में रखा हुआ पानी पिए ताकि वो स्टेबल हो के आपके शरीर में जाए। दूसरा हो गया धूप, धूप धूप ही एक ऐसी चीज है जिसको मानवता तक दूषित नहीं कर पाई है, धूप आज भी अपने प्योर फॉर्म में। तो थोड़ी देर देखिए धूप जरूर लीजिए। आजकल लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, जो ज्यादा पैसा खर्च करे उनको तो धूप वाला घर मिल जाता है, जो बेचारे कम पैसा खर्च करे उन्हें उल्टी साइड वाला मिलता है। तो सन आपको जरूर लेना है और अपने बच्चों को भी दिलवाएं, या जो फोन वाली मोबाइल फोन वाली मानसिकता है इससे अलग धूप होती है। बिल्कुल। तो दूसरा हो गया धूप, तीसरा हो गया आकाश, थोड़ी देर आप स्काई के तरफ जरूर देखें, क्योंकि वहां से स्टार्स और तमाम माध्यमों से बहुत सी एनर्जी इस धरती की तरफ आ रही है, जो शायद मेरा मानना अभी तक अनडिस्कवरेबल है, लेकिन धीरे धीरे डिस्कवर हो रही है जी। तो ये 3 चीजें हो गई। चौथी चीज हो गई सांस, ब्रीद, एयर जी। गहरी सांसें लेना हम लोग भूल गए, आजकल दिमाग गहरा चलाते हैं लेकिन सांसें गहरी नहीं लेते जी। तो आप इन चीजों लंबी लंबी बस। और 5वीं चीज जो है वो मिट्टी, हमें मिट्टी से बने, मिट्टी में मिल जाना है, जिस भी रूप से मिले लेकिन जाना मिट्टी में ही है। तो हम लोग मिट्टी से अपने नाते को तोड़ दिए हैं, तो थोड़ा सा सुबह टहलें, नंगे पैर टहलें, आपका एक्यूप्रेशर भी होगा, घास आपके पैर में चुभेगी, तो डायबिटीज का माना जाता है, बहुत अच्छा साधन है बचने का कि आप चलें जी। और यहाँ पे मैं बता दूं तिवारी जी, डायबिटीज जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बीमारी है, इसको रोकने का सिर्फ एक तरीका है, और वह है चलना। जब आप चलते हैं तो आपकी आंतें रेगुलेट होती हैं, और जब आपकी इंटेस्टाइन रेगुलेट होती है तो आपके पैनक्रियाज से इंसुलिन सिक्रीट होता है। अगर आप चलेंगे नहीं तो धीरे धीरे पैनक्रियाज ग्लैंड का जो 10% हिस्सा है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, वो शिथिल हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, और आप उसके बाद दोबारा जो है वह आपको टेबलेट और इंसुलिन पे ही जीवन भर रहना पड़ेगा जी। तो मैं डरा भी रहा हूँ आपको, इसलिए वाक जरूर करें। और नहीं, बहुत जरूरी चीज आप बता रहे हैं डॉक्टर साहब, आप तो
क्या कहें, आपकी वाणी में सरस्वती है, आप जो बोलते हैं वो एकदम सही होता है। वाओ, बहुत अच्छी बात आपने कही है। सब भगवान की कृपा है, हम लोग तो सब उनके हमारे तो ये पांच चीजें तिवारी जी आप और तमाम श्रोता हमारे ध्यान रखें। अब हम और कॉल नहीं रिसीव करेंगे। डॉक्टर उमंग खन्ना जी का नंबर आप नोट कर लीजिए, अगर कोई भी प्रश्न आपको पूछना है तो डॉक्टर उमंग खन्ना जी का आप नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 9415786380 9415786380 है ना, 9415786380 यह नंबर आप लोगों के लिए साथियों जीवन भर काम आएगा। 90.4 मेगाहर्ट्ज़ सीएमएस कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से 9415786380 9415786380 एक मिनट में वैसा आप अगर टाइफाइड के बारे में कुछ बता पाए तो जरूर बता। मैं बिल्कुल, टाइफाइड इस समय बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और टाइफाइड के बारे में भी हम आपको बता दें साथियों, यह वाटर बॉर्न डिजीज है, सेल्मोनेला टाइफाई नाम के बैक्टीरिया से होता है और यह बहुत समस्या देता है। तो टाइफाइड में देखिए क्या होता है, जब किसी को टाइफाइड की दिक्कत है तो वो खाना हल्का खाए, सारी सब्जियां आप लोग इस समय बहुत धो के बनाएं जी, सब्जियों को बहुत अच्छे से वाश कर लें और तब उसको खाएं। और टाइफाइड का बुखार मैं बता दूं, क्योंकि बुखार आता है तो आप लोग सोचते हैं कौन सा बुखार कब हो सकता है, टाइफाइड का बुखार रात में चढ़ता है, शाम से चढ़ना शुरू होता है और सुबह 11 बजे तक रहता है और 11 बजे उतर जाता है। यह बहुत हाई ग्रेड होता है, 103-104। जब टाइफाइड आपको होता है तो आपके पेट में दर्द होता है और आपके पसीने में बदबू आती है सड़े अंडे जैसी। तो अगर यह सिम्टम आप पाएं, हाई ग्रेड फीवर जो रात में बढ़ रहा हो और सुबह उतर जाता हो, आपके शरीर से बदबू आ रही हो, आपके पसीने से बदबू आ रही हो, आपके डिस्चार्जेस से बदबू आ रही हो, तो आप समझ लीजिए हो सकता है आपको टाइफाइड हो। एक इसका विडाल फॉर टाइफाइड करा लें और विडाल से अच्छा कार टेस्ट होता है टाइफाइड का, वो करा लें, आपको एक दिन में क्लियर हो जाएगा आपको टाइफाइड है। और टाइफाइड है तो तुरंत कुशल चिकित्सक से मिलकर एंटीबायोटिक लें, वो 5-7-12 दिन का अपने हिसाब से आपको कोर्स चलाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब एक बार फिर बीच में जरूर आप आइएगा क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल रहते हैं एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ज्यादा समय नहीं है, हम बस आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने अपने देश के इतनी समय में से कुछ सबक हमें दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पुनः एक बार आदरणीय श्री जगदीश गांधी जी को, जिनके माध्यम से इतना अच्छा माध्यम उन्होंने तैयार करा है आपके बीच जानकारी पहुंचाने का। मैं वास्तव में उनका साधुवाद वंदन अभिनंदन करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर रोमन खन्ना जी का एक बार नंबर फिर से आप हम बताना चाहेंगे, 9415786380 इस पर आप व्हाट्सएप करके या डॉक्टर साहब के पास अगर समय हुआ तो उनसे बात करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और बाकी हम अपने सजीव फोन इन कार्यक्रम में फिर एक बार जरूर लेकर आएंगे, हम कॉल नहीं रिसीव कर पाएंगे, सॉरी। और इजाजत दीजिए अपनी दोस्त सोमा को, सुनते रहिए 90.4 CMS कम्युनिटी रेडियो। नमस्कार।